कोविड वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी के द्वारा किए गए प्रयासों की केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रशंसा की है तो कांग्रेस पर भी कोविड वैक्सीन को लेकर किए जा रहे आरोपों का करारा जवाब दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार होती तो सबसे पहले वैक्सीनेशन विदेश से मंगवाई जाती और फिर सबसे पहले गांधी परिवार को वैक्सीनेशन लगाई जाती, लेकिन पीएम मोदी ने पूरे देश की चिंता करते हुए वैक्सीनेशन मुहैया करवाकर राहत प्रदान की है। वहीं चुनाव आयोग के द्वारा बंगाल में 9 चरणों में मतदान पर ममता बनर्जी के भाजपा को फायदा पहुंचाने के लगाए जा रहे आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हार को देखकर छटपटाकर बेतुकी बयानबाजी ममता बनर्जी कर रही हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित अधिकारिता विभाग के दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिरकत की। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने 41 पात्र लोगों को हाईटेक व्हीलचेयर के अलावा स्मार्टफोन, छड़ियां और अन्य सामान वितरित किया। करीब 30 लाख रुपए से ज्यादा का सामान इस मौके पर वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान HRTC निगम उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वनिक, SP कार्तिकेन गोकुल चंद्रेन, SDM चिरंजीलाल चौहान और जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने सामाजिक अधिकारिता के बजट में 28% बढ़ोतरी की है तो दिव्यांगजनों के लिए सुविधा के लिए भी 30% वृद्धि की है। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों को लाभ देने के लिए सर्वेक्षण कर लाभ दिया गया है, जिसके चलते ही आज 30 लाख रुपए से ज्यादा के उपकरण निःशुल्क बांटे गए हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां एक और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का बजट 28% की वृद्धि की है, वहीं दिव्यांगों के डिपार्टमेंट की जो इस साल के बजट में है वहां पर भी लगभग 30% की वृद्धि की है। मैंने पिछली बार भी दिशा कमेटी की मीटिंग में आग्रह किया था कि एक सर्वे किया जाए कि हमीरपुर में किन किन दिव्यांगजनों को अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है जिला प्रशासन ने एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सर्वेक्षण भी किया, अलिम्को के अधिकारियों को बुलाकर आज लगभग 30 लाख रुपए के उपकरण यहां पर लाभार्थियों को बांटे भी हैं। 229 के लगभग ये उपकरण हैं, इससे लोगों को लाभ भी मिलेगा और उनके जीवन में जो रोज उनको अपने जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी चलने फिरने की काम करने की, उसमें एक बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। और हमने ये भी कहा है कि भविष्य के लिए अगर और लोगों की भी आवश्यकता होगी तो जिला हमीरपुर में एक भी दिव्यांग ऐसा नहीं होगा जिसको सुनने की या फिर सुनने के लिए जो मशीन लगानी पड़ती है उसके लिए हेयरिंग एड जिसको हम कहते हैं, या बैटरी ऑपरेटेड जो व्हीलचेयर है वो हो, फोल्डिंग व्हीलचेयर हो, बैसाखी हो, MSID किट हो, या बाकी जो सुविधाओं की बात करने की बात है वो सारी ही समय समय पर इनको उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हमारे जो दिव्यांग हैं उनको सब सुविधाएं मिले जिसकी उनको आवश्यकता है। वहीं कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण शुरू होने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज वैक्सीनेशन में देश ने बढ़िया काम किया है और भारत के बाहर भी दवाई विदेशों में भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास आरोप लगाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो विदेशों से कोविड मंगवाई जाती और सबसे पहले गांधी परिवार को ये वैक्सीन लगाई जाती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का एक समान ख्याल रखा है। कोविड से लड़ाई में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने शानदार काम किया है, आपदा में अवसर ढूंढने का काम भी किया, आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम भी किया और दुनिया के जिन देशों में सबसे कम मृत्यु दर है उनमें भारत का नाम भी आता है। यही नहीं, हमने PPE किट 5 लाख से ज़्यादा बनानी शुरू की, प्रतिदिन एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी और भारत की मांग को भी पूरा किया, दवाइयाँ दुनिया भर को दी, कोविड वैक्सीन बनाकर ना केवल भारत बल्कि दुनिया भर को देने का काम भारत ने किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने शानदार काम किया है। कांग्रेस जब उनके पास कोई आरोप लगाने के लिए कुछ मुद्दा ना हो तो इस तरह के बेतुके आरोप लगाती है। अगर उनकी सरकार होती तो ये लोग विदेशों से कोविड वैक्सीन मंगवाते, मोदी सरकार में हिंदुस्तान में बनी। इनकी सरकार होती
तो इनके पहले परिवार गांधी परिवार को सबसे पहले वैक्सीन लगती, गरीब को नहीं लगती, कोविड वॉरियर्स को नहीं लगती। मोदी जी ने सबसे पहले कोविड वॉरियर्स को लगवाई, वरिष्ठ जनों को, और अब 45 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए कोविड वैक्सीन लगाने के लिए कहा गया है। मैं भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और देश के जो भी लोग इसके पात्र हो सकते हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाना चाहिए ताकि इस महामारी को हम हरा सकें। कोविड हारेगा, भारत जीतेगा। बंगाल में 9 चरणों में मतदान भाजपा को फायदा करवाने के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि हार से छटपटा रही ममता बनर्जी बेतुकी बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि एक के बाद दूसरा नेता तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहा है, जिससे ममता बनर्जी बौखला गई हैं। उन्होंने दावा किया कि बंगाल के लोग ममता से मुक्ति चाहते हैं और बंगाल में जल्द ही कमल खिलेगा। देखिए, जब हार दिखती हो तो इस तरह के बयान आने स्वाभाविक है। ममता बनर्जी की छटपटाहट इससे नजर आती है कि एक के बाद दूसरा उनका नेता तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर चला गया। वहां दीदी भतीजे की सरकार और वहां पर भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा का दौर रुकने का नहीं आ रहा। यही कारण है कि वहां के लोग मुक्ति चाहते ममता बनर्जी की सरकार से। तुष्टीकरण की राजनीति करने पर जो ममता बनर्जी ने की, उसका खामियाजा ममता जी को अब भुगतना पड़ेगा। वहां के लोग जानते हैं कि एक वर्ग के लिए केवल ममता बनर्जी की सरकार काम करती रही और बाकी वर्गों की अनदेखी हुई। उद्योग को पलायन करना पड़ा, लोग असुरक्षित महसूस करते रहे, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हिंसा और हत्या का दौर चलता रहा, और अब पूरी तरह से वातावरण ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी जी की जाने की तैयारी है और कमल खिलने की बंगाल में तैयारी है। जिस व्यक्ति ने कभी अध्ययन न किया हो, सच बोलने की आदत ना हो, और जो अपने संसदीय क्षेत्र जहां से 3-4 बार सांसद रहे उसको छोड़कर चले जाएं, हार जाएं और दक्षिण भारत में जाकर अपने ही क्षेत्र के लोगों को मूर्ख, बेवकूफ या कुछ और कहने का प्रयास करें और ये कहें कि उनको ज्ञान नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने आज तक केवल बांटो और राज करने का काम किया है। और इस तरह की टिप्पणी जब वो करते हैं तो इससे और पता चलता है राहुल गांधी जी के बारे में कि कांग्रेस के टाइम पर 12% महंगाई दर थी, आज केवल 4% महंगाई दर है। उनके समय दालें 165-170 रुपये किलो मिलती थी, आज 65-70 रुपये किलो है। उनके में चीनी 55-56 रुपये किलो मिलती, आज 35 रुपये किलो चीनी है। और दालों के भाव देखेंगे, सब्जी अनाज के भाव देखेंगे तो निरंतर नीचे रहे। RBI ने भी कहा इन्फ्लेशन, महंगाई दर जो है वो 4% और उसके +2% या -2% रह सकती है, और मोदी सरकार की 7 साल में औसतन महंगाई दर मात्र 4% ही रही।